अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में थाना कोसीकला पुलिस एवं एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना कोसीकला क्षेत्र अंतर्गत कामर बिछौर बम्बा के पास मुठभेड़ के दौरान थाना मगुर्रा पर सरकारी शस्त्र लूट एवं पुलिस मुजामत के अभियोग मुकदमा संख्या 000031/2023 धारा 147 148 149 332 333 307 353 395 भादवी व 7 CLA एक्ट का नामित वांछित अभियुक्त व 25,000 रुपए का इनाम या सत्येंद्र पुत्र श्याम निवासी बंडपुरा थाना मगोरा जनपद मथुरा को घायल गिरफ्तार किया गया। कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर में 2 अदद खोखा व 2 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर तथा एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु CHC कोसीकला भेजकर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। साथ ही अभियुक्त नरेश पुत्र देवेंद्र निवासी शहरी मदनगढ़ी थाना गोंडा जनपद अलीगढ़ मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। देखिए मथुरा से संवाददाता उमेश भदौरिया की ये खास रिपोर्ट। आज थाना कोसी पुलिस को सूचना मिली थी कि कामर बिछोर बम्बा मार्ग पर कुछ बदमाश आने वाले हैं। इस सूचना पर SOG की टीम के साथ कोसी थाने की पुलिस ने इस रास्ते पर चेकिंग आरंभ करी। एक मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। जब उन दोनों व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें कि एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पूछताछ पे उसने अपना नाम सत्येंद्र बताया, जो कि बंडपुरा थाना मगोर्रा क्षेत्र का रहने वाला है तथा पुलिस मुजामत में वांछित था। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी था। इसने अन्य साथी जो मौके से भाग गया, उसका नाम नरेश है, जो कि अलीगढ़ का रहने वाला है। इनके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। घायल बदमाश को नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।